नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजोंटल दैन विच देन विच क्वांटिटी विल रिमेन द सेम पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरा है रेंज ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट एक्वायर्ड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम नाउ ये अपना क्वेश्चन है कि आपने दो प्रोजेक्टाइल्स फेंके हैं एक प्रोजेक्टाइल को आपने लेट से थर्टी डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है और दूसरे प्रोजेक्टाइल को आपने सिक्सटी डिग्री पे एंगल प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है सो दिस इज़ माई थर्टी डिग्री एंड दिस इज़ सिक्सटी डिग्री राइट सो इस केस में अपने को फ्रॉम द कॉन्सर्ट पता है इस वाले केस में दोनों की रेंज सेम रहेगी और दोनों की हाइट एक्वायर्ड अलग होएगी टाइम भी आपका अलग होएगा उसके एक बार इसको डिराइव भी कर लेते हैं सेंस थर्टी और सिक्सटी डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री uh, एंगल्स होता है थीटा और 90 माइनस थीटा तो अगर ये दो एंगल हैं दोनों में रेंज सेम रहेगी सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर एक बार इसको डिराइव कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है सो uh, so, पहले वाले पार्टिकल के लिए अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा लिखें तो आर वन विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ़ टू थीटा डिवाइडेड बाई जी ये अपनी रेंज होगी पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए आर टू रेंज हम लिखेंगे यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी इसको आप सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ वन एट्टी माइनस टू थीटा डिवाइड बाय जी और हमें पता है साइन ऑफ़ वन एट्टी माइनस थीटा कोई भी अगर थीटा है उसकी वैल्यू सेम रहती है सो दिस विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाय जी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह है सकते हैं कि दोनों रेंज आपकी सेम आएंगी टाइम अलग होएगा और मैक्सिमम uh, हाइट भी अलग होएगा उसको भी अगर हम देखना चाहें तो टाइम हम लिख सकते हैं टाइम टी वन विल बी इक्वल टू यू साइन टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी टी टू विल बी इक्वल टू टू यू साइन ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी और ये आ जाएगा टू यू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी दोनों का टाइम अलग है सिमिलरली आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करती है वो दोनों की अलग होएगी राइट सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर